अम्बाला से आज एसजीपीसी व शिरोमणि अकाली दल द्वारा एक पंथक रोष मार्च निकाला गया, जिसमें हरियाणा के गुरुद्वारों में काम करने वाले सिख भी शामिल हुए, जिसको लेकर एचएसजीपीसी ने बैठक कर कहा कि ये पंथक रोष मार्च नहीं बल्कि ये तड़प रोष मार्च है। इसमें जिन गुरुद्वारों के मुलाजिमों ने हिस्सा लिया है उनके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाल ही में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाए जाने की मांग पर मुहर लगाई गई थी, जिसके विरोध में आज अम्बाला शहर के मंजी साहब गुरुद्वारा से एक पंथक रोष मार्च निकाला गया और कहा गया कि ये सिख समाज को तोड़ने की साजिश है। इस पंथक रोष मार्च में हरियाणा के गुरुद्वारों में सेवा करने वाले मुलाजिमों ने भी शिरकत की, जिसको लेकर एचएसजीपीसी ने मंजी साहिब गुरुद्वारा में बैठकर कहा कि सिखों को गुमराह करने की साजिश है, ये रोष मार्च नहीं बल्कि तड़फ मार्च है। इस रोष मार्च में जो भी गुरुद्वारों के सेवक गए हैं उन पर बनती कार्रवाई की जाएगी। पहली गल तो मैं इन्होंने दसना चाहना वा, हरियाणा का सिख बड़ा जागरूक है, कभी हारता नहीं। हरियाणा के सिख वैल पावर इन्नी है कि उन्होंने 20 साल तुहाडे दे नाल मत्था ला के और बड़ी वड्डी संघर्ष करन तो बाद अज इस मुकाम ते पहुंचे हाँ। इस गल का वह सबूत आप ही लैंदा उन्होंने मिलता पै कि हरियाणा के सिख हार गए ने जां जित गए ने। पहली गल तो यह है। दूसरी गल है कि रोस मार्च की, यह रोस मार्च नहीं है, यह उन्होंने तड़फ मार्च है। वो तड़फ रहे ने गोरखा तो। देखो जो भी अज उन्होंने तकलीफ हो रही है, अगे हरपाल सिंह वीर जी ने बड़े विस्तार नाल दस्या वे कि जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई उदों का रोस मार्च ना निकलिया, जो सिखां दीआं बेअदबियां हुई उदों रोस मार्च ना निकलिया, जो किसी नूं कोई उत्थे रुजगार जां रोटी नहीं मिली उदों कोई रोस मार्च ना निकलिया। तो अज जो हरियाणा का सिख जागरूक होकर अपने हक नूं जित गया तो अज रोस मार्च पर निकलते हैं, कोई गल नहीं ये कढ़ लैन। ये तड़फ मार्च जिन्ने भी कढ़न गए ना उन्ना ही हरियाणा के सिखां वास्ते वधिया है और हरियाणा का सिख जागरूक है और तगड़ा होकर इहदा भी मुकाबला करेगा। आज का जो रोस मार्च है, मैं तो कहूँगा रोस मार्च नहीं है, वो गुमराह करने की बातें हैं। कोई रोस मार्च नहीं है, झूठ बोल के गए ने, वो झूठ मार्च है। और उदे बावजूद भी देखो संगत उन्हां नाल गई नहीं, जिहड़ी बीबियां कुछ गई बेचारियां उन्होंने असीं फोन करो कहे संत दरबार साहब दर्शन कह के लै गए, इतने दिन हो गए बसा दो भी नहीं गई उन्हां दियां। टोटल ये वो बंदे ने जिहड़े उन्हां दे पिट्ठू सी उन्हां नूं अहुदे दित्ते हुए सी और वो अपने अहुदियां नूं बचाण करके उत्थे गए। पंजाब विच ते इन्हां दे पल्ले कुछ रहा नहीं, 2 MLA जीते इस पार्टी बादल दे, लेकिन हरियाणा दे सिखां नूं गुमराह करे सी। हरियाणा दा सिख हुण गुमराह नहीं होएगा, हरियाणा दा सिख जागरूक हो चुका है और सानूं खुशी इस गल दी कि उन्हां नाल कोई भी हरियाणा दा सिख नहीं गया। केवल मुलाजम जिहड़े गए ने, सानूं कोल रिपोर्ट आ चुकी है, उन्हां मुलाजमां ते बनदी कार्रवाई की जाएगी। असीं रिकॉर्ड कढ़ा रहे हां, इनकुआरी बिठावांगे कि कि वह गड्डी लैके गए, की ऑर्डर बुक विच पा के गए ने, असीं सारे बुक्स मंगा लिया ने, उन्हां दे मुताबक उन्हां दे खिलाफ़ बनती कार्रवाई असीं करांगे। लेकिन ज जिहड़ा जिहड़े पंथक रोस मार्च नाम रख्या लोगों नूं गुमराह करन दा, और उत्थों दी श्रोमणी कमेटी जिन्हां नूं असीं प्रधान नूं उल्टा बेनती की तुसीं भी नाडा साहब आओ, नाडा साहब देखना लखां दा इकट्ठ होएगा बिना बुलायो, वह है खुशी। यह संगतां नूं गुमराह करके लगा लै गए ने, यह गुमराह करे ने, कोई रोस मार्च नहीं है, इन्हां नूं तकलीफ हुई है। इतों का पैसा इतना लगेगा, इतों के बच्चे इतने भर्ती होंगे, इतने स्कूल कॉलेज बन गए, एजुकेशन अदारे खुलन गए, और वो नहीं सी चाहते पंजाब वाले कि हरियाणा का सिख जागे। अज सानू खुशी है मानयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद, और हरियाणा की सरकार ने जो मदद की है 2014 में हुड्डा सरकार ने मदद की है, सरकार उन्हां दी बदौल जाग अज हरियाणा के सिख जागे ने, और जागण की असी वधाई देने। अगले कार्य बहुत जल्दी होंगे, 9 तरीक इस समागम तो बाद नाडा साहब दे, फिर जल्दी पहला इजलास होएगा जिस विच के फिर सारी यह टीम बनेगी और गुरु घर लीगल तरीके सारे चार्ज लैके अगली कार्रवाइया करेगा।